अगर आप अपने फ़ोन को साल में एटलीस्ट एक बार फॉर्मेट करोगे तो आपके फ़ोन में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगा। हे गाइस, तो अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है एंड कभी अगर अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना है तो किस तरह से आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी डेटा है उसका सारा डेटा बैकअप करके अपने फोन को फॉर्मेट करके देन वापस से उन्हीं सारे डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर कभी आपको अपने फोन को चेंज करना है, लाइक अभी आप एक सैमसंग का पुराना कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो एंड आपको नया कोई सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करना है, तो इस केस में भी पुराने फोन के अंदर जो भी आपका डेटा है, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉग्स, सेटिंग्स, वो सब कुछ आपका एज इट इज बैकअप हो जाएगा नए फोन आने के बाद। जब भी आप उस नए फोन के अंदर पुराने फोन के डेटा को रिस्टोर कर दोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा नए वाले फोन के साथ। तो इस वीडियो में डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। अब अपने फोन को बैकअप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पेन ड्राइव या SSD, बट कितने जीबी का। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके फोन में डेटा कितना है। सपोज कि मेरा ये जो स्मार्टफोन है 128 GB वाला वेरियंट है, बट इससे पहले मैंने अपने फोन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह था, लाइक फोटोज, वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सभी डेटा को मैंने ऑलरेडी कट करके मेरा एक अलग डिवाइस के अंदर रख दिया हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं अपने फोन की स्टोरेज सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो अराउंड 16 GB के आसपास स्टोरेज शो हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक 32 GB वाला पेन ड्राइव है तो सफिशियंट है। तो आपको भी मैं सेम चीज सजेस्ट करूंगा, आपके फोन के अंदर जितने भी फोटोज, वीडियोस या फिर इम्पोर्टेंट डेटा है, उन सारा डेटा को आप या तो किसी दूसरे पेन ड्राइव में या फिर कहीं पर आप बैकअप करके रख लो। अदरवाइज आप गूगल फोटोज के अंदर फोटोज को अपलोड कर सकते हो, ड्राइव के अंदर बाकी सारे डेटा को भी आप रख सकते हो। एंड अपने फोन को फॉर्मेट करने से पहले व्हाट्सएप को बैकअप कर लेना है, ताकि आपकी व्हाट्सएप के अंदर जो भी इमेजेस, चैट्स, जो कुछ भी है एज इट इज सेम रिस्टोर हो जाए फॉर्मेट करने के बाद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ SSD एंड पेन ड्राइव का लिंक्स दे दूंगा, ताकि आप उसे बाय कर सको अपने फोन को बैकअप करने के लिए। खैर, तो मेरे पास यहाँ पे एक पेन ड्राइव है जो कि टाइप ए वाला है, पुराना पेन ड्राइव है, तो इसीलिए मुझे चाहिए एक एडाप्टर टाइप सी वाला। नाउ अभी आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में, देन अकाउंट्स एंड बैकअप, बैकअप एंड रिस्टोर, अपने पेन ड्राइव या SSD को कनेक्ट कर लेना है। एंड जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा USB स्टोरेज करके, तो सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड टैप करने के बाद ये लोडिंग होगा, कुछ समय लगेगा बैकअप को एनालाइज करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एवरीथिंग मतलब आप कौन कौन सी चीज़ें बैकअप लेना चाहते हो, सब कुछ चीज़ें। देन नेक्स्ट में आता है कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस एंड लास्ट में कस्टम। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि आपको किस किस चीज़ का बैकअप करना है। तो सजेस्ट यही है कि आप सब कुछ चीज़ें बैकअप करो। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कई सारे लोगों का जो पोर्ट है वो लूज होता है, जिसके कारण बाहर आ जाता है पेन ड्राइव वगैरह। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद आप फ़ोन को किसी ऐसे जगह पे रख दो ताकि आपका पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल SSD निकले ना। अगर निकल गया तो बैकअप फाइल फिर करप्ट हो जाएगा एंड रिस्टोर करने में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एवरीथिंग यहाँ पे सेट है। अब नेक्स्ट, एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि व्हाट्सएप को आपको अलग से बैकअप करना है, तो यही वार्निंग यहाँ पे आ चुका है। अभी नेक्स्ट, नाउ सैमसंग के अंदर यहाँ पे एक और अच्छा चीज़ है, आपकी सिक्योर फोल्डर के अंदर भी अगर कुछ डेटा वगैरह है तो सब कुछ डेटा आपका बैकअप हो जाएगा एंड बाद में रिस्टोर भी हो जाएगा। अभी आपको सिक्योर फोल्डर का जो पिन है उसे एंटर करना है, फिर डन, ओके, फिर ओके। अभी ये जो बैकअप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड जब तक कि ना 100% हो जाए, मेक श्योर कि आपकी फ़ोन से जो आपने कनेक्ट किया है, चाहे पेन ड्राइव हो या फिर एक्सटर्नल SSD हो, वो निकले ना। एंड इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोन के अंदर कितना डेटा है उस हिसाब से। नाउ तो बैकअप प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा समरी भी आ चुका है कि क्या कुछ चीज़ें बैकअप हुआ है। तो नेक्स्ट एंड डन। नाउ तो अभी अगर मैं कंट्रोल सेंटर को नीचे की तरफ लाऊँ एंड इस पेन ड्राइव के अंदर जाऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर मेरा एक फाइल आ चुका है बैकअप के नाम पे। एंड इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टीज़ होगा, मतलब उतने GB का ही, जितना GB का मेरा बैकअप के अंदर शो हुआ था। तो आप भी ये चीज़ एक बार वेरीफाई कर लेना कि बैकअप के टाइम पे जितना शो हुआ था
बैकअप करने के बाद क्या उतना शो हुआ है या नहीं। नाउ अब एक इम्पोर्टेंट काम करना है, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ लाना है एंड यहाँ पे अनमाउंट के ऊपर टैप करना है एंड इसके बाद आप अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट कर सकते हो। नाउ तो यहाँ पे ये बैकअप वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना है, किस तरह से अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर्मेट करने के बाद अगर आप उसी सेम फ़ोन के अंदर वापस से रिस्टोर कर रहे हो या फिर कोई नया स्मार्टफोन बाय कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि नया स्मार्टफोन को ऑन करने के बाद सेटअप के टाइम पे नेक्स्ट 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 कर देने से ही आपका सब कुछ चीज़ें हो जाएगा। नहीं, सैमसंग की फ़ोन में काफ़ी सारे फालतू की एप्लीकेशंस हो गया, कुछ फालतू की परमिशंस हो गया जो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है, उसे आपको डिसेबल करना होता है। तो किस तरह से आप अपने फ़ोन को फर्स्ट टाइम सेटअप कर सकते हो या फिर फॉर्मेट करने के बाद सेटअप कर सकते हो, इसकी रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना कर रखा हूँ, तो उसका भी लिंक ऊपर आप लोग आई बटन में एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन दोनों वीडियोस को जाके आप एक बार देख लेना। ओके, तो अभी मेरा फ़ोन सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुका है एंड मैंने सेटअप भी कर ली। एंड अगर अभी मैं आपको अपनी फ़ोन के स्टोरेज सेक्शन के अंदर ले जाऊँ तो आप देख सकते हो स्टोरेज एकदम खाली है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ओएस के अंदर रहता है स्टोरेज वगैरह, बस वही सारी चीज़ें हैं, बाकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। तो अभी आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, पेन ड्राइव को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। अभी आपको सिलेक्ट करना है रिस्टोर डेटा, बट इससे पहले आपको स्मार्ट स्विच को एनेबल करना है। तो नेक्स्ट, कंटिन्यू, मोर, एग्री एंड बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर अभी आप देख सकते हो कि मेरा पेन ड्राइव का नाम यहाँ पे शो हो रहा है यूएसबी स्टोरेज करके। तो सिंपली आपको यूएसबी स्टोरेज के ऊपर टैप करना है। अब यूएसबी स्टोरेज के ऊपर टैप करते ही आपको सैमसंग आईडी से लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो साइन इन, यहाँ पे आपका जो सैमसंग का यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसे एंटर करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे परमिशंस आ चुका है, तो सारे परमिशंस को अलाउ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों देने से ही हो जाएगा। फिर एग्री, गेट स्टार्टेड एंड सैमसंग पास को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे हम बाद में करेंगे, लेटर, कंटिन्यू। नाउ अभी फिंगरप्रिंट को डालना है एंड वापस से वही जगह पे आ चुका है, तो यूएसबी स्टोरेज के ऊपर वापस से टैप करना है। एंड यहाँ पे बैकअप लेते टाइम जो तीन ऑप्शन हमें देखने को मिला था कि आप सब कुछ चीज़ें मतलब एवरीथिंग बैकअप करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉग्स या फिर कस्टम, तो मैंने सब कुछ चीज़ें किया था, तो इसीलिए मैं सब कुछ चीज़ें वापस से रिस्टोर करूँगा। एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सब कुछ चीज़ें करना है। सपोज़ आपका कोई पुराना स्मार्टफोन है, आप नहीं चाहते हो कि उस पुराने फ़ोन का जो एप्लीकेशंस है उसको मैं नए वाले फ़ोन के अंदर बैकअप करूँ, तो इस केस में आप उन सारी चीज़ को स्किप कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी सेम टाइम लगेगा, मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी डेटा है, ये डिपेंड करता है कितना डेटा है, उस हिसाब से रिस्टोर होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। एंड इस बीच आपको वापस से एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन से ये जो पेन ड्राइव है या फिर एक्सटर्नल एसएसडी है, ये निकले ना तो बैकअप प्रोसेस यहाँ पे 100% हो गया। अभी गो टू होम स्क्रीन, ना तो अभी मेरे फ़ोन में आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो डिम होकर रखा है, मीन्स कि ये जो रिस्टोरेशन वाला प्रोसेस है ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, इसे टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है, बट हाँ, मेरे फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस था वो सब कुछ चीज़ें हो रहा है। एंड अगर मैं आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है ये स्टार्ट है अभी भी, मतलब कि जो 100% था रिस्टोरेशन वाला ये तो हो चुका है, बट ये ऑर्गेनाइज अभी भी नहीं हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा और समय लगेगा। नाउ अभी मैसेज को ओपन करते हैं एंड आप देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर जो भी पुराने मैसेज वगैरह थे वो सब कुछ चीज़ें एज इट इज़ रिस्टोर सक्सेसफुली हो चुका है। एंड इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स के ऊपर टैप करूँ तो सारा कॉन्टैक्ट्स भी मेरा रिस्टोर सक्सेसफुली हो चुका है। कॉल लॉग्स की बात करूँ तो ये भी सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। तो धीरे धीरे बाकी सारे डेटा भी रिस्टोर हो रहा है। नाउ तो यहाँ पे कुछ समय हो चुका है एंड अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रिस्टोरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। एंड अभी अगर मैं अपने कैपकार्ट को ओपन करूँ तो कैपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर मेरा कुछ डेटा था, जो कुछ प्रोजेक्ट्स था एंड साथ ही साथ मेरा कैपकार्ट भी लॉगिन किया हुआ था। एंड अभी आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट्स है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है, बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जैसे कि कुछ UPI की एप्लीकेशंस हो गया, इन सारे एप्लीकेशंस आपका रिस्टोर हो जाएगा, बट आपको अलग से
इसे साइन इन करना होगा। बट मेरे केस में मैंने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशन लाइक कैपकट की बात करूं या फिर स्पॉटिफाई की बात करूं तो मुझे अलग से साइन इन नहीं करना पड़ा। ये सब कुछ चीजें बैकअप भी हो गया एंड रिस्टोर भी हो गया। और ये जब रेस्टोरेशन प्रोसेस एकदम 100% हो जाएगा तो इस तरीके का आपको एक समरी शो हो जाएगा कि डेटा रिस्टोर रिजल्ट। तो इतना सारा डेटा हमारा सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट एंड सिक्योर फोल्डर के अंदर मेरा जो कुछ डेटा था उसे एक्सेस करने के लिए मुझे सिक्योर फोल्डर को अनलॉक करना होगा। तो मैंने अपने फोन को जब सेटअप किया था तो उस टाइम पे पिन नहीं डाला था, सिर्फ फिंगरप्रिंट था। तो अभी पिन को एंटर करना होगा, तो इसलिए अनलॉक, कंटिन्यू, कंटिन्यू, डन। तो पिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टर्न ऑन ना। तो अभी सिक्योर फोल्डर के अंदर जो भी मेरा डेटा था वो भी रिस्टोर होना स्टार्ट हो गया एंड नोटिफिकेशन में इसका जो प्रोसेस है वो शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो रिस्टोरेशन प्रोसेस अभी फाइनली सक्सेसफुली 100% कम्प्लीट हो चुका है। जो भी मेरे फोन के अंदर एप्लीकेशंस था वो सब कुछ चीजें एज इट इज रिस्टोर भी हो चुका है ना। तो अभी आपको अपने USB स्टोरेज को अनमाउंट करना है, तो नोटिफिकेशन को वापस से नीचे की तरफ लाना है एंड अनमाउंट। तो इस तरह से आप अपने किसी भी Samsung Galaxy फोन के अंदर अपना सारा डेटा बैकअप करके अपने फोन को फॉर्मेट करके वापस से रिस्टोर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कोई अगर और डाउट्स है, क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।